हेलो फ्रेंड्स, श्वेता हियर। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हीट। अब सबसे पहले समझते हैं कि हीट है क्या। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। अब जो हमारी हीट है वो एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड बनाती है। इट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट क्या है, हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। इसको मीन्स हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब सपोज कीजिए कि कोई हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है और एक हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट अगर हम इसे कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, जो हीट है हमारी वो यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू करेगी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे जैसे हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी वैसे वैसे जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका तो ये कूल डाउन होगा, मीन्स जो इसकी हीट की जो डिग्री है, टेम्परेचर है, वो उसका कम होगा। और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वार्म अप होना शुरू हो जाएगा, मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो यही हमारी हीट है, ये फॉर्म है एनर्जी की जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी डिग्री है उसकी हॉटनेस है या उसका टेम्परेचर कितना है ये बताती है, उसको हम कहते हैं हीट। और हीट हमेशा हमारी हॉट ऑब्जेक्ट से हमारी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, आइए अब समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी हमने पढ़ा कि हीट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अभी ट्रांसफर कैसे होती है, इसके हमारे थ्री वे होते हैं ट्रांसफर होने के हीट के, जो हमारे नंबर वन है हमारा कंडक्शन, नंबर टू है हमारा कन्वेक्शन और नंबर थ्री है हमारा रेडिएशन। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं हमारा कंडक्शन। अब कंडक्शन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, एक हमारा कंडक्टर जो हमारा कंडक्शन वर्ड से ही बना है, दूसरा हमारा इंसुलेटर या इनको हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को इजीली ट्रांसफर करते हैं या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर या इनको गुड कंडक्टर भी कह सकते हैं, एज लाइक सिल्वर, आयरन, मर्करी, एल्युमिनियम। अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो तुरंत इनमें हीट फैलेगी। अब इंसुलेटर्स हमारे क्या होते हैं, द मटेरियल डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब वो मटेरियल जो हीट को पास नहीं होने देते वो हमारे कहलाते हैं इंसुलेटर, या हम इनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं हमारे वुड, पेपर, कॉटन क्लोथ, लेदर एक्सेट्रा। अब हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में, इसको हम एग्जांपल के थ्रू ले समझते हैं इनका यूज़ क्या है। देखिए हमारा अगर हम यूटेंसिल्स को लें, जो हमारे घर के खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हमने कोई भी बाउल है, भगोना है, उसको हमने फ्लेम पे रखा तो क्या है, तुरंत ही हमारा हीट अप होना शुरू हो गया। देखिए फ्लेम है, ये हीट अप होने लगा और इसमें पूरा खाना पक गया। इससे हमें पता पड़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि इसमें पूरे में हीट क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। अगर हम इसके हैंडल की बात करें, जैसे हमने कहा यूटेंसिल के हैंडल लेते हैं, ये हमारा मोस्टली या तो हमारा वुड का हो सकता है या हमारा प्लास्टिक का हो सकता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी वजह से हमारा जो खाना बनता है उतना पार्ट तो जो यूटेंसिल्स है इसका हमारा कवर होता है, लेकिन हमारा जो हैंडल है वो हमारा हीट अप नहीं होता। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं गुड कंडक्टर्स का, एक हमारा मर्करी। अब मर्करी हम थर्मामीटर में यूज करते हैं ताकि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और वैसे वैसे मर्करी जो हमारी रीडिंग है उसको इंक्रीज करती जाती है और हमें बताते हैं कि बॉडी में कितना टेम्परेचर है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है कंडक्शन का प्रोसीजर वो क्या है। आइए अब समझते हैं कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ हीट थ्रू मैटर फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। जैसे कि आपने पहले भी अपने समझा था कि हीट हमेशा क्या करती है, जहां पे भी उसका लेवल हाई होता है वहां से ट्रेवल करती है जहां पे उसका लेवल
लो होता है। तो सेम इसी में ऐसा ही होगा कि जहां पे भी हीट हमारी ज्यादा होगी वहां से ट्रेवल होना शुरू होगी जहां पर हमारी हीट कम होगी। अब इस ट्रांसफर में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है हीट का वो पार्टिकल टू पार्टिकल होता है, मीन्स एक एक पार्टिकल पर धीरे धीरे हीट हमारी ट्रांसफर होगी। इसको हम समझने के लिए हम देखिए स्टील रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि स्टील की रॉड है, ये हमारे पार्टिकल्स यहाँ से हमारी एक साइड से थोड़ी सी गर्म है, तो देखिए मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स हमारे गर्म है, धीरे धीरे करके हमारा एक एक पार्टिकल आगे जाते हुए जाते गर्म होगा और एक टाइम पर जाकर ये पूरी रॉड हमारी गर्म हो जाएगी। इस तरह से समझिए इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल मूवमेंट होगा हीट का। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, हम स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए क्लास है, इसमें 5 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, एक के पास बुक है। फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, सेकंड वाले को बुक पास की, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को। इस तरह से जो मूवमेंट हुआ हमारा हीट का वो हमारा कहलाया कंडक्शन। आइए अब समझते हैं कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है। पहले तो सबसे ज्यादा ये जो मेथड है ये लिक्विड्स में होता है। अब इसी को हम फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वहाँ पे हमारा पार्टिकल टू पार्टिकल हीट मूव करी थी, पर यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक वो हीट ट्रांसफर होगी। इसको समझिए, सपोज कीजिए हमारा जो स्टूडेंट नंबर 1 था वो हमारे लास्ट स्टूडेंट पे चल के गया और उसने यहाँ पे वो बुक उसको पास कर दी वॉक करके। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक हमने बाउल रखा जिसमें हमने वाटर को रखा और उसको गर्म किया। जब हम उस वाटर को गर्म करेंगे और धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि वाटर ना जो सबसे उसकी लोअर लेयर होगी वो गर्म होगी। जैसे ये लेयर गर्म होगी ये उठकर यहाँ पर आएगी पानी, फिर ये ऊपर वाले पानी को गर्म करेंगे और फिर ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे वो हमारे नीचे आएंगे ताकि फिर वो हीट अप हो जाए। तो ये जो कंप्लीट मूवमेंट हो गया है, जा पूरा पूरा पार्टिकल मूव करा है, इसी वाले मूवमेंट को हम कहेंगे कन्वेक्शन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, लेकिन हमारे फर्स्ट मेथड में क्या था कि हमारा पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा था, वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा था, और यहाँ पे हमारा पार्टिकल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब हम समझते हैं थर्ड मेथड, वो है हमारा रेडिएशन। अब रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट तो एमिट करता है एनर्जी को, या आप कह सकते हैं हीट को, और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस बच्चे ने बुक को थ्रो किया और लास्ट वाले बच्चे ने उस बुक को कैच कर लिया। सपोज कीजिए सन है, सन से रेडिएशन आ रही है, इसी फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है, और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया रेडिएशन मेथड का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।